प्राइम मिनिस्टर ने जो बांग्लादेश को धमकी दी है, धमकी ही दी है, इनफैक्ट कोई प्यार से नहीं बोला है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। धमकी दी है कि भैया वहां हिंदुओं के साथ कुछ गलत हुआ तो हम यहां बैठे हैं और हम हमारी पूरी पैनी नजर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि मेक श्योर करें कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज हैं उनकी सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है हमने, हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है 2016 में और 2019 में। बांग्लादेश के हवाले से इंडिया कहता है कि 140 करोड़ जो लोग हैं वो इंडिया के हिंदूज के हवाले से वरिड है, तो अगले बंदे के दिमाग में साइकोलॉजिकल चीज डाली जाती है। फर्स्ट मैसेज ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के तौर पर सामने आ रहा है और उसमें उन्होंने हिंदू लफ्ज बाकायदा इस्तेमाल किया है। जो जुल्म किए हैं उसके बदले आपको परेशान होना पड़ेगा, दवाइयों के लिए आप तरसेंगे, तेल के लिए तरसेंगे, अभी बहुत ज्यादा और दिक्कतें होनी है। ये जुल्म आपकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। मैं रेडिकल मुसलमानों की बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आज प्राइम मिनिस्टर ने धमकी दी बांग्लादेश को कि सुनो हिंदू पे अटैक टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये धमकी क्या एक बहुत लेट नहीं है? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को मेरा बहुत 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 आभार। मैं बड़ा नाराज था प्रधानमंत्री मोदी से क्योंकि उन्होंने टैक्स लेकर के हमारी कमर तोड़ दी है। इतना गुस्सा था मेरे अंदर, मैं बता नहीं सकता आपसे, क्योंकि हम लोग को भी जीने दो यार। हम लोग जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास में अगर आ गए अपनी मेहनत से तो एक घर बना लें, कुओं बना लें। आप आकर के स्टैटिस्टिकल जार्गन से आप हमारा दुख नहीं कम कर सकते। मैं ये वित्त मंत्री जी को बोलना चाहूंगा कि वो सारे स्टैटिस्टिकल जार्गन हमारे हाथ में समझ नहीं आते तो हमें वो समझ में नहीं आता, तो हमें भी जीने दें, हमें भी खुलकर खोला एक अपनी जिंदगी में कोई प्रॉपर्टी बना लेने दें, घर खरीद लेने दें। खैर, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मेरे दिल में जो भावना, जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा बढ़ता ही। आज उन्होंने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कह दिया कि भाई हिंदुओं पे ये जो अत्याचार हो रहा है ये बंद करो। ये शब्द बोलने का ना, ये जो शब्द बोलने की जो करेज चाहिए था वो छिपा दिया गया था, इस देश से उसको दबा दिया गया था। हिंदुइज्म की बात करना यहां बिगटरी मानी जाती है या कम्युनलिज्म माना जाता है। यहाँ पे रिलीजन के, एक रिलीजन के एक समुदाय के लोगों को हक है कि वो इंडियन गॉड और गॉडेसेस और इसको जो है वो बुरा भला और ये सब बता सके, लेकिन आप एक कंपैरेटिव स्टडी एक हिंदू कर ही नहीं सकता था। तो पॉइंट ये है कि ये उस देश में जहां हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, उस देश में जहां हिंदुओं के साथ जो है वो इंक्विजिशन हुए, लेकिन इन्होंने थ्रू द नॉलेज सारा कुछ इन्होंने जो है ना वो पेंट करके अलग रख दिया। जिस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर आपने एक मौलाना ना को बना दिया, वो भी अरब में पैदा हुआ मौलाना, उससे बड़ी आप त्रासदी आप क्या करेंगे। जब द मैन हु न्यू नथिंग अबाउट इंडिया बिकेम द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये नेहरू जी का कॉन्ट्रीब्यूशन इस देश के लिए। और उनकी मैं कहीं आज ये तो मुझे भी बहुत दुख लगता था, लेकिन मैं आज कहीं सुन रहा था उसमें कोई प्रोफेसर साहब वो बता रहे थे कि उनकी जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो कमिटी ऑफ एडवाइजर थी उसमें खाली दो ही यूनिवर्सिटी के लोग थे, जामिया मिलिया और अलीगढ़। बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आप में से बहुत से लोग उससे अवेयर होंगे, लेकिन एक चीज, एक खबर, एक बात जिसे अभी से कुछ टाइम पहले तक इग्नोर किया जा रहा था, फिर इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर बात की, भाई बांग्लादेश में जो मिनोरिटीज खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया जा रहा है उसको रोका जाए। फिर उसके बाद पाकिस्तान से हमने भी आवाज उठाई कि हाँ भाई, वैसे हम कहते हैं फलस्तीन के मुसलमान, वैसे हम कहते हैं यहाँ के मुसलमान, लेकिन इंसानियत को आगे रखते हुए बांग्लादेश के हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोका जाए। अब हमें अभी से पहले तक ये बताया जा रहा था कि भाई ये सिर्फ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, ये इंडिया का मीडिया सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहा है, लेकिन अब कायदा तौर पे ये चीज क्लियर हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश के जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद ये बोला है कि भाई अगर बांग्लादेश में मिनोरिटीज के ऊपर जो अटैक है उसे ना रोका गया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। फिर इसराइल ने इसके ऊपर आवाज उठाई और अब बड़ी खबर ये है जिसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से हम बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अब यूनाइटेड नेशंस भी इस बात पर बोल उठा है कि भाई बांग्लादेश में मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसे फौरन रोका जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा, हम कब बोलेंगे, हम एक ही चीज को मतलब इंसानियत की नजर से कब देखेंगे
जहां भी जुल्म हो, चाहे पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हो, या बांग्लादेश में हो, या कहीं पे भी हो, हम उसके ऊपर चुप क्यों रहते हैं? क्या हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नाम तैयब। क्या करते हैं तैयब भाई? मैं फील कर रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक आपने सुन लिया, आपसे इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। आदिल भाई हैं, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, मेरे अपने भाई हैं, इनसे बात करेंगे। आदिल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर से ये सारा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप जो विद फैक्ट्स बात करें। क्या वजह है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे अटैक क्यों नहीं रुक रहा? अब तो गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, अब तो वहाँ पे जो उनसे उनकी मर्जी, जो स्टूडेंट है उनकी मर्जी के प्रेजिडेंट भी आ गए। जी बिल्कुल ऐसी बात है, जब 5 अगस्त को ये सारा मामला हुआ तो तब पाकिस्तान कुछ ही घंटे बाद एक ये खबर भी सरफेस की इंडियन मीडिया की तरफ से कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी है, उसको लेके बहुत ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं, उनके टेम्पल्स को आग लगाई जा रही है। बल्कि ये भी आया कि उनके कुछ क्रिकेटर जो हिंदू हैं, जैसे लिटन दास, जो कि बाद में शायद पता चला कि वो मुशर्रफे का जो उनका घर जलाया गया। अच्छा। तो पाकिस्तान के मीडिया पे ये पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया गया कि मामला कुछ और है, इंडियन मीडिया इसको कुछ और रंग दे रहा है, एक प्रोपेगेंडा कर रहा है और बात को कहीं और तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये है कि सच कितनी देर छुप सकता है? वो हकीकत सामने आ गई जब उनके बांग्लादेश के अपने प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया कि हाँ माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो रहा है और इसे फिलन फोर रोका जाए। मतलब ये चीज हम हमेशा हर चीज इल्जाम लगा देते हैं, ये इंडियन मीडिया का ये एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। अब तो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद अब यूनाइटेड नेशंस ने आवाज उठा दिया, क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, पहले सिर्फ इंडिया उठा रहा था आवाज, और आपने भी काफी वीडियोस इस पे रिकॉर्ड की, लेकिन उसके बाद अब जब उनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस चीज को मान लिया और बल्कि कहा है कि ये बंद होना चाहिए, जो उनके नए प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं, उसके बाद अब ये कि इसराइल ने जब ट्वीट की कि कंडेम किया, इसराइल ने भी, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस इस पे कोई आवाज कि भारत के खिलाफ जो काम किया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ जो काम किया जा रहा है, उस कर्म का फल तो मिलेगा ना बांग्लादेश वालों को। और इसका असर देखिए दिखना शुरू हो गया है। महंगाई से आप तड़पेंगे, जो जुल्म किए हैं उसके बदले आपको परेशान होना पड़ेगा, दवाइयों के लिए आप तरसेंगे, तेल के लिए तरसेंगे, अभी बहुत ज्यादा और दिक्कतें होनी हैं, क्योंकि यह जुल्म आपकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। मैं रेडिकल मुसलमानों की बात कर रहा हूं, और इसमें वो लोग भी पिसेंगे जो मौन स्वीकृति देकर अपने आप को पाक साफ समझ ले रहे बांग्लादेश के लोगों में। तो बधाई हो बांग्लादेश, जिस पूर्वी पाकिस्तान से आपने आजादी पाई, एक बार फिर आप वही बनने जा रहे हैं, पूर्वी पाकिस्तान। आज से हम सब आपको पूर्वी पाकिस्तान कहेंगे, बांग्लादेश नहीं कहेंगे, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से आपको जाना जाएगा, क्योंकि आपकी हरकतें भी बिल्कुल वैसी हैं। वरना कौन अपने चलते फिरते देश को ऐसे बर्बाद कर सकता है? पाकिस्तानियों ने तो किया, तो आप भी तो उसी का हिस्सा थे, आपने भी कर दिया।